सबसे पहले आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार, पहला प्रणाम। तो दोस्तों, जैसे कि आप सभी जानते हैं, आज है हरेला और हमारे कुमाऊं में हरेला पर्व बहुत खास तरीके से मनाया जाता है। तो इस दिन हमारा त्यौहार होता है और इस दिन हम लोग पूरी पकवान वगैरह बनाते हैं। तो इसी के लिए मैं सुबह सुबह उठ गई, मैंने नहा भी लिया, तो मैं अपने रूम से ब्लॉग शुरू कर रही हूँ। अब जाती हूँ ऊपर, आज बहुत सारा काम करना है क्योंकि बहुत ज़्यादा त्यौहार बनाना है। और गांव में पता क्या प्रथा है, मतलब जिन लोगों का त्यौहार नहीं होता, जैसे किसी के घर में अगर कोई गुजर जाता है या कुछ भी मतलब ऐसा चीज़ होता है तो वो लोग त्यौहार नहीं मनाते। तो हमारे गाँव में ऐसी प्रथा होती है, जिसका त्यौहार नहीं होता है तो उसको भी त्यौहार देना होता है, पूरी वगैरह। तो इसलिए हमें ज़्यादा क्वान्टिटी में बनानी है। तो अब जाते हैं ऊपर, पहले किचन की सफाई वगैरह करते हैं, मंदिर की सफाई वगैरह करते हैं, फिर उसके बाद त्यौहार बनाते हैं। तो कुमकुम आई है, क्या लेके आई है? दूध लेके आई है, ये रखते हैं। तो अभी ना मैं आ गई हूँ किचन में और यहाँ की सफाई तो हो ही गई, कल रात ही कर ली थी हम लोगों ने। अब मैं जाती हूँ मंदिर में, मंदिर में सफाई करनी है। दोस्तों, अब श्रीमती जी दिणा मंदिर में साफ सफाई ध्यान, किले की साफ सफाई में जी निवास करनी भगवान। ये हमारे पहाड़ में बहुत पहले भी जी परंपरा छो कि और टाइम बदल नॉर्मल ढंग में जी मंदिर सफाई हैं, लेकिन जब लगे त्यार ब्यार हूँ, जब लगे तीज पर्व हूँ, तो उस दिन हमारे घरों में मंदिर सफाई बहुत बढ़िया ढंग में जी कर जाए। अब आइए हम किचन में, यहाँ पूरी पकल हजार के लखी नहीं लगन गाँव में दस बार मोनो त्यार। तो देखो, मंदिर काम तो हमारे हगो, अब मैं फटाफट से द्विपरात पिछू वलनचिन। तो मैं सबसे पहले कसूरी मेथी, अजवाइन, नमक, हल्दी वगैरह मिलो नू पूरी बढ़िया सा होनी चाहिए। तो फटाफट से मैंने पिसू यपटा पिसू बोली, वह बाद अब मैं फटाफट से यम्बत तल लूँ और मिस्टर जी परात में धरबे वहाँ छत वाल किचन में लिखा लूँ। वहाँ जो हमारे छत वाल किचन, वहाँ हम आग जला रहा हो, वहाँ माता जी छेल पुरिया के तलाल और सबको को काम पर लगन भय, वरना तो भद्रा काम तो बहुत नहीं भाई दगड़ियो, भ्यारा काम तो देखनी भो, भद्रा काम देखने नहीं भय, फटाफट से निपटनो सब काम। तो दगड़ो पिसू वल भी थोड़ा सा मिल ढक ढक भी रखे, थोड़ा सा नॉर्मल कंडीशन में जल वह बाद बनाल पूरी। अब फटाफट से हम ये मोह पतेल को छाणू, वह बाद मोह पतेल छाणी बाद मिल फटाफट से काटिन आल, फिर वह बाद काटिन मोह पतेल। गोले तो सारे पतीले अपने बना दिए, तैयार कर दिए, बाकी मैंने दो परात बना दिए और वो ऊपर ले लिए, वहाँ पे तले जा रहे हैं। देखिए अब ये वाला परात भी हो गया, इसको भी रख दिया ऊपर, ठीक है। बना दिए हैं तीन पर्यात और बनाने हैं छह पर्यात, के लिए खाने वाली है पूरा बर्यात। इन बेले हुई पूरियों को मैं लेके जा रहा हूँ छत वाले किचन में, क्योंकि हमारा वहाँ पर लकड़ी वाला चूल्हा है और कोई भी काम काज होता है या त्यौहार होता है तो हम तलने का काम वहीं पर करते हैं। मैं नीचे वाले किचन से पूरियाँ लेके आ रहा हूँ और उन पूरियों को मम्मी यहाँ पर तल रही है। ये लकड़ी वाला चूल्हा है दाजू, यहाँ पर आग बहुत ज़ोर से जल रही है। आदू पूरी पक गिन और अब मम्मी करल रेस्ट, अब हमारे श्रीमती जी नंबर लगो नेक्स्ट। दोस्तों, हमारे पहाड़ में तो बढ़िया रिवाज छो कि जो लोगों त्यार नहीं लगन तो सारे गाँव वाले वो गए त्यार देर मन करन जरा ल देर, और जय का घर में त्यार जी नहीं होनो वह कहे घर में लग जा पुरियाँ ढेर, ये पुरियाँ ढेर दूर ठो लग जा कि इन खाई बाद गोर भैंसू पीन भन में डालन पड़ूँ और वह बाल कुछ पूर बज जाए तो यह लगूँ लगन अब ए भैंस आई पालन पड़ूँ। ये हल्लू पूरी खान खाने गोर भैंसू ला हजे भार उले भगवान है प्रार्थना करनी भगवान आते रो ये लोगों हर महड़ा महड़ा। तो दोस्तों, अभी ना सारी पुरियाँ तल चुके हैं, बस लास्ट घाण बचा था तो इसको सासू माँ तल रही है और मैं फटाफट से यहाँ से पकौड़ी का मिक्सचर तैयार करके ले जाती हूँ, फिर उसके बाद मैं बनाऊंगी पकौड़ियाँ। तो देखिए यहाँ पे सारी पूरी हमारी बन चुकी हैं। तो इसी के साथ पूरी हमारी बन चुकी हैं, अब हम बनाते हैं पकौड़े। और आग में बनाने में ना थोड़ा सा दिक्कत तो आती है, लेकिन आग का बना हुआ खाने में ना, मतलब चूल्हे का बना हुआ खाने में बहुत अच्छा लगता है। हाँ, ये चूल्हे में बनाई हुई पकौड़ियों का अपना कुछ अलग ही मजा है। मैं तुमको अब ले जाना हूँ मंदिर में और यहाँ पापा चल काटे हरियाओ। तो दगड़ियो, हमारे वहाँ पहाड़ में हरियाओ पहले गोड़े जाँ तावो भेजी, वह बाद फिर कट जाँ हरियाओ और फिर यह सब लोगों खोर में धरी जाँ। आप यहाँ त्यार धरी जाना उन लोगों लीजिए जय गोफना त्यार नहीं हूँ और यहाँ जो रिश्तेदारी वगैरह में। तो दगड़ियो, गाँव में जितने लोगों भी त्यौहार देना था आस अगल बगल में सबके लिए रख दिया, अब ये रखा जा रहा है गरुड़ के लिए,
क्योंकि हमारे देवर जी तैयार खाने नहीं आए हैं घर, तो उनके लिए त्यौहार रखा जा रहा है। मिस्टर जी जाएंगे उनको देने के लिए। बाकी फिर ताई जी लोग का भी त्यौहार नहीं लगता, तो उनके लिए भी ये त्यौहार है। तो करियो त्यार हार, तो सब बन गो। अब त्यार खाना तैयारी चल रहा है, तो वह अभी पहले मिंग लगनो हरिया हो। तो करियो अब हम लोग त्यार हार खानो, फिर हम बोल मिलू बाद में। तो दोस्तों फिर से ब्लॉग कंटिन्यू कर रही हूँ। अभी मैं अपने गांव के रोड से, और अभी ना मतलब दिन में मैं गई थी अपने मायके, उस टाइम में गई थी पैदल, बाद में पति देव मुझे लेने आए थे स्कूटी से। तो अभी हम लोग स्कूटी से आ रहे हैं घर को, और देखो रात भी होने ही वाली है, और पहाड़ों में रात को सफ़र मतलब नहीं कर सकते, क्योंकि जानवरों का भी खतरा रहता है, और उसके अलावा छल छितर भी यहाँ बहुत ज़्यादा लगते हैं। तो इसलिए हमें बहुत जल्दी जल्दी हो रही है, इसलिए मैं ब्लॉग भी नहीं बना पाई घर से निकलते टाइम भी, और वहाँ जाके भी मतलब एक तो मैं 1 बजे पहुँची, तो फिर वहीं होता है कभी इधर कभी उधर जाना, सबसे मिलना, तो ब्लॉग शूट नहीं किया मैंने ज़्यादातर। बट अभी मैं आ गई हूँ अपने जस्ट अपने ससुराल के गांव के जस्ट ऊपर हूँ, तो अभी मैं ब्लॉग बना सकती हूँ, क्योंकि अब हमें लग रहा है कि हाँ हम पहुँच चुके हैं ऑलमोस्ट, क्योंकि वहाँ से ऑलरेडी हम देर हो गए थे आने के लिए, तो काफ़ी देर हमें हो गया था। तो अब चलते हैं। आते आते हमको बच गया था, छह एक हाथ में दूध का बाल्टी, दूसरे हाथ में दही। नहीं ऐसा कुछ भी नहीं था, हाँ बस ये बस तो हमें छह वही गया था। और यहाँ पे ना मतलब प्लेन्स की तरह नहीं होता कि आप रात को भी ट्रैवल कर सकते हो, सफ़र कर सकते हो, और टू व्हीलर से तो बहुत मुश्किल होती है पहाड़ों में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक कॉमेंट शेयर।